नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थोरिया। ये वीडियो बिहार की राजधानी पटना का है, जहां सोमवार को बीजेपी दफ्तर के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे वार्ड सचिवों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। दरअसल सोमवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर वार्ड सचिवों ने अपनी सरकार की तरफ से नियुक्ति रद्द किए जाने को लेकर जमकर बवाल काटा। जानकारी के मुताबिक वार्ड सचिव अपनी मांगों को लेकर बीजेपी दफ्तर के बाहर पहुंच गए और हंगामा करना शुरू कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और वार्ड सचिवों को समझाकर वहां से हटाने की कोशिश की गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। हालात बिगड़ने पर पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन से पानी की बौछार और आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान वीरचंद पटेल मार्ग पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। आपको बता दें, वार्ड सचिव पिछले कई दिनों से गर्दली बाग धरना स्थल के पास अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन सरकार की तरफ से उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं होने के बाद सोमवार को वार्ड सचिव उग्र हो गए और एक साथ मिलकर बीजेपी दफ्तर के बाहर इकट्ठा हो गए, जिसके बाद प्रशासन प्रदर्शनकारियों से बीजेपी दफ्तर के सामने से हटने के लिए कहता रहा। उनसे कहा जा रहा था कि गर्दली बाग जाएं, लेकिन प्रदर्शनकारी वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। देखते देखते हालात बेकाबू हो गए और पुलिस को उन पर लाठी चार्ज करना पड़ा। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो 13 दिन से गर्दली बाग में थे, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही थी, लिहाजा अपनी मांगे मनवाने के लिए उन्हें यहाँ आना पड़ा। आपको बता दें, वार्ड सचिव अपनी मांगों को लेकर पिछले 15 दिनों से आंदोलन पर अड़े हुए हैं। उनकी मांग है कि उनकी नियुक्ति को स्थायी किया जाए और वार्ड सचिवों को हटाने संबंधी पत्र वापस लिया जाए। इसके साथ ही उनके बकाए पैसे का भुगतान भी जल्द से जल्द किया जाए। वहीं वार्ड सचिवों का कहना है कि काम के एवज में वेतन भी उन्हें दिया जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।